हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योर हेल्थ डॉक्टर में आपका स्वागत है। अस्थमा के रोगियों के लिए इसका उपाय रामबाण का कार्य करता है। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो अस्थमा के रोगियों के लिए रामबाण इलाज है। धतूरा का उपयोग कई तरीके से किया जाता है। तांत्रिक विधाओं से लेकर कई गंभीर बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। अस्थमा के रोगियों के लिए धतूरे का प्रयोग बिल्कुल एक रामबाण है। इसके लिए बराबर मात्रा में धतूरे की पत्तियां व फल को पूरी तरह सुखाकर कूट लें। फिर उस मिश्रण को मिट्टी की हांडी में पूरी तरह से भरकर कपड़े से हंडिया के मुंह को बंद करके ऊपर से मिट्टी लगाएं। उपले कोयले या लकड़ी के अंगारे पर इस पात्र को पूरी तरह रखें। जब पत्तियां और फल पूरी तरह जलकर भस्म बन जाए उसे उतार कर रख लें। इसके बाद इसकी आधी ग्राम तक की मात्रा को सुबह शाम शहद के साथ लेने से अस्थमा व कफ रोगों में बहुत लाभ मिलता है। धतूरे के पत्ते को चिलम में तंबाकू की तरह भरकर पिए, इससे अस्थमा के रोगियों को तत्काल राहत मिलती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी आपको पसंद है तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।